अमेरिकी सदर ट्रंप की ओबामा पर तनकीद, कोरोना के हवाले से सवाल पर सहाफी से उलझ पड़े, गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि ओबामा ने हालिया बयान देकर सियासी तारीख का सबसे बड़ा जुर्म किया है। ओबामा गेट, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स बीन गोइंग ऑन फ्रॉम बिफोर आई इवन गॉट इलेक्टेड, एंड इट्स अ डिसग्रेस दैट इट हैपेंड, एंड इफ यू लुक एट व्हाट्स गॉन ऑन एंड इफ यू लुक एट नाउ ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट्स बीइंग रिलीज्ड, and from what I understand that's only the beginning. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर से चीनी नयात खातून सहाफी ने कोरोना वायरस से अमवात के हवाले से सवाल किया तो ट्रंप गुस्से में आ गए। सहाफी ने सफसार किया कि अमरीका में रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे हैं, इसके बावजूद आप ज्यादा टेस्ट कराने को अपनी जीत कैसे करार दे सकते हैं? This is a global competition to you. If every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day. इस पर अमरीकी सदर ने खातून सहाफी को मुखातिब करते हुए कहा की ये सवाल आप मेरी बजाय जाकर चीन से पूछ। Well, they're losing their lives everywhere in the world, and maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question. सदर ट्रंप के जवाब पर खातून सहाफी ने उनसे कहा कि ऐसा आप उससे क्यों कह रहे हैं? सदर ट्रंप ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़ दी और चले गए।